दोस्तों, आपने रेडिट के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसमें लोग बहुत सी ऐसी कहानियां भी शेयर करते हैं जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित होता है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं रेडिट में पोस्ट की गई सबसे डरावनी भूतिया कहानी के बारे में। और ये कहानी है जॉन के साथ हुई एक बहुत ही डरावनी कहानी के बारे में, और ये स्टोरी मैंने ली है रेडिट से। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें क्योंकि आज का वीडियो आपको कपाकर रख देगा। जॉन अपने पोस्ट में लिखता है कि कुछ दिनों पहले ही मैंने एक नया घर लिया। दरअसल मुझे घर बहुत कम पैसों में मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि यही मौका है, अभी मैं घर ले लेता हूँ। और लालच में आकर मैंने घर को ले लिया, लेकिन मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ आने वाले समय में क्या होने वाला है। घर लेने के एक दिन बाद ही घर के सभी लोग नए घर में शिफ्ट हो गए, और सभी लोग नए घर में बहुत खुश थे। और ऐसे करके नए घर में एक दिन पूरा बीत गया, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे घर में बहुत ही अजीब लग रहा था। मुझे नए घर में किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, और ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताया, नहीं तो घर के सभी लोग बहुत परेशान हो जाते। हमारे घर में चार सदस्य रहा करते हैं, मैं, मेरी वाइफ टीना और हमारे दो छोटे बच्चे पीटर और केविन। हम लोग उस घर में नए थे, तो आसपास के लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, लेकिन आसपास के लोग जब भी हमारे तरफ देखते थे तो वो बहुत ही अजीब तरह से देखते थे। लेकिन मैं उन लोगों को नज़रअंदाज करके अपने काम में ध्यान देता था। रोज की तरह मैं जब सुबह उठकर घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि हमारे घर के ठीक सामने एक इंसान की खोपड़ी पड़ी है, और ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके बाद मैं इधर उधर देखने लगा, डर के मारे मैं पसीना पसीना हो चुका था। उसके बाद मैं उस खोपड़ी को उठाकर हमारे घर के पीछे दफनाने लगा, लेकिन तभी हमारे घर के पास मौजूद एक आदमी मुझे देख लिया। उस आदमी को देखकर मैं पूरी तरह डरा हुआ था, क्योंकि वो आदमी मुझे बहुत ही अजीब तरह से देख रहा था। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वो आदमी चला गया। मैं उस खोपड़ी के बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं अपने बच्चों के मन में डर पैदा करना नहीं चाहता था, और इसलिए मैंने उस खोपड़ी को घर के पीछे दफना दिया। नए घर में शिफ्ट हुए थे, इसलिए मैंने इसके बारे में पुलिस को भी नहीं बताया, नहीं तो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ते, जो कि मुझे पसंद नहीं था। नए घर में आए हुए चार दिन भी अच्छे से नहीं हुए थे, और सुबह सुबह घर के सामने किसी इंसान की खोपड़ी मिलना बहुत ही अजीब बात है। मेरे मन में बस एक ही बात चल रहा था कि उस खोपड़ी को दफनाते हुए उस आदमी ने देख तो नहीं लिया, और क्या वो जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट तो नहीं करेगा। बार बार मुझे बस यही डर सता रहा था। रात के करीब 10 बजे मैं जब ऑफिस से घर लौटा तो घर के ठीक सामने मैंने एक आदमी को देखा। वो आदमी हमारे घर की तरफ बहुत ही अजीब तरह से देख रहा था, और जब मैंने उस आदमी को ध्यान से देखा तो वो आदमी वही था जो कि मुझे सुबह खोपड़ी को दफनाते हुए देख रहा था। उसके बाद जब मैंने गाड़ी को रख कर बाहर आकर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। मैंने उस आदमी को इधर उधर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। रात के करीब 2 बजे मेरा आँख अचानक से खुला। जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी पर 2 बज रहे थे। तभी मुझको कमरे के अंदर किसी की परछाई नजर आई। तभी मैं अचानक से जाकर कमरे के लाइट्स को ऑन कर दिया। मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन कमरे पर कोई भी नहीं था। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन तभी अचानक से बाहर से बहुत से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आने लगी। कुत्तों का आवाज़ सुनकर डर के मारे मेरे पसीने छूटने लगे थे।
मैं बार बार घड़ी के तरफ देख रहा था। कुछ समय बीतने के बाद मैं बेड में आकर सोने की कोशिश करने लगा और कुछ टाइम बीतने के बाद मैं गहरे नींद में सो गया। अगली सुबह जब मेरा आँख खुला तो मैंने देखा कि ठीक मेरे सामने वो खोपड़ी है जिसे मैंने घर के पीछे दफनाया था, और उस खोपड़ी को देखकर मुझे एक अजीब सा डर लगने लगा। मेरी वाइफ टीना और दोनों बच्चे बाहर कुछ काम कर रहे थे, तो मैंने जाकर उस खोपड़ी को वापस उसी जगह पर दफना दिया जहां पर उसे पहले दफनाया था। कुछ समय बीतने के बाद मेरा छोटा बेटा केविन आकर कहने लगा, मैंने यहां पर खेलने के लिए एक खोपड़ी रखी थी, कहां गया वो? ये सुनकर मैं कहने लगा, कौन सी खोपड़ी और कहां मिली ये खोपड़ी तुमको? तभी केविन कहने लगा, मुझे तो खिलौने वाली खोपड़ी हमारे घर के बाहर मिला। और ये बात सुनकर एकदम से मेरे डर के मारे पसीने छूटने लगे थे। उसकी बात केविन को मैंने बाहर खेलने के लिए भेज दिया और मैं घर के पीछे जाकर मिट्टी खोदकर उस खोपड़ी को देखने लगा, तो वहाँ पर दो खोपड़ियाँ मौजूद थी और उन दोनों खोपड़ी को देखकर मैं पूरी तरह शॉक हो गया था। उसके बाद मैंने उन दोनों खोपड़ियों को वापस उसी जगह पर दफना दिया और इस घटना के बाद से मैंने कई बार इस घर में दो दो परछाई को रात को घूमते हुए देखा है। एक दिन मैं जाकर सारी बातें अपने एक दोस्त को बताने लगा। मेरा बात सुनकर मेरा दोस्त कहने लगा, किसी प्रिस्ट को बुलाकर घर की सिद्धि करवा दे जिसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर अगले दिन मैंने घर पर एक प्रिस्ट को बुलाया और सारी बातें बताने लगा। तभी वो प्रिस्ट घर में प्रार्थना करके कुछ पढ़ने लगा और उसके बाद वो घर के चारों तरफ होली वाटर छिड़क दिया और मेरे पास आकर कहने लगा, थोड़ा संभल कर रहना। तभी मैं एक अजीब से आवाज में कहने लगा, किसे संभल कर रहना होगा? लेकिन वो प्रिस्ट मेरे बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया, जिसे मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। अब आगे क्या होगा? क्या सब कुछ ठीक हो गया? और वो दोनों खोपड़ी किसकी है और जॉन के साथ क्या होने वाला है, जानने के लिए कमेंट में पार्ट टू जरूर लिखें। यह था खूनी रात का पहला एपिसोड। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड इसके ऊपर बना सकूं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।